हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम हैक्स। आज की वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से मुझे आप लोगों के मेल्स आ रहे थे कि आप ऑयली स्कैल्प के लिए ऐसे कुछ शैम्पूज रिकमेंड कीजिए जो बिल्कुल भी केमिकल फ्री हो और जिसे बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मार्केट में ऐसा कोई शैम्पू ही नहीं है जो 100% केमिकल फ्री हो, क्योंकि हर एक शैम्पू में प्रिजर्वेटिव्स रहता है और प्रिजर्वेटिव्स होने का मतलब ही केमिकल का होना। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ शैम्पूज है जो लेस इन केमिकल है और बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं बताऊंगी एक DIY शैम्पू, मैं घर पे कैसे आप शैम्पू बना के अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगी आज की इस वीडियो में। और जो बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, हर्बल शैम्पू है, स्पेशली ऑयली स्कैल्प के साथ साथ अगर आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम है, सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको कोई भी शैम्पू सूट नहीं करता तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। और वीडियो के एंड में मैं कुछ शैम्पूज रिकमेंड करूंगी जो लेस इन केमिकल है और बहुत ही अच्छा शैम्पू है, स्पेशली ऑयली स्कैल्प, हेयर फॉल और सेंसिटिव स्किन के लिए। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर से देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और न्यू विजिटर है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दिया हुआ उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पाउडर ली है, ये रहा आंवला पाउडर, ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये रहा शिकाकाई पाउडर और रीठा पाउडर। अब 2 चम्मच करके हर एक पाउडर हम ले लेंगे। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच करके पाउडर ली है। अब इसके साथ ऐड करना है हॉट वाटर और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, और इतना ध्यान रखना है कि वाटर ज़्यादा गर्म ना हो और इसे 2-3 मिनट के लिए सेट करके रखना है। और ये शैम्पू जो है, तो वो जो शैम्पू है हमारा रेडी है, लेकिन वो शैम्पू को मैं अप्लाई करके नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुखार था 2 दिन पहले, तो मैं शैम्पू नहीं कर सकती, इसलिए मैं अप्लाई करके आप लोगों को नहीं दिखा पाई। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगी किस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से आप शैम्पू करते हैं उस तरह से ही आपको अप्लाई करना है। आप अपने स्कैल्प पे उसे अच्छी तरह से लगा लीजिए और फिर अपने फिंगर टिप्स की मदद से, नेल्स आपको यूज़ नहीं करना है, कभी भी शैम्पू करते वक्त अपने नेल्स को यूज़ नहीं करना है, फिंगर टिप को लेके इस तरह से सर्कुलर मोशन में हल्का सा, बहुत ही जेंटल मसाज होगा। 5 मिनट आपको मसाज करना है और फिर लिक्विड वाटर की मदद से आप वॉश कर लीजिए। लिक्विड वाटर इसलिए है क्योंकि जिन लोगों का ऑयली स्कैल्प है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए लिक्विड वाटर बहुत हेल्प करता है। तो आप कभी भी अगर शैम्पू करेंगे तो लिक्विड वाटर ही यूज़ करो। ये जो शैम्पू है बहुत ही इफेक्टिव है, और इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपको कोई भी शैम्पू या फिर कंडीशनिंग यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड की है वो सभी बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैंने इसमें ऐड किया है रीठा, जो बहुत अच्छी तरह से आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा, डैंड्रफ को रिमूव करेगा, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, डर्ट्स को रिमूव करेगा। और इसमें ऐड की है मैंने शिकाकाई, जो कंडीशनिंग के काम आएगा, आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाएगा। और इसमें मैंने ऐड की है आंवला। आंवला जो है आपके हेयर रूट्स को मजबूती देता है, तो हेयर फॉल को प्रिवेंट करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है, केमिकल फ्री है, और ये हर्बल शैम्पू है तो इसमें झाग नहीं आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, जिन लोगों को आंवला सूट नहीं करता है, एक्चुअली आंवला इज़ अ रिच इन विटामिन सी, और विटामिन सी सबको सूट नहीं करता है। अगर आपको आंवला सूट नहीं करता है तब उसके बदले आप मेथी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मेथी पाउडर बहुत ही अच्छा है, आपके बालों में प्रोटीन मिलता है, और ये आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के साथ साथ आपके हेयर रिग्रोथ में भी हेल्प करेगा। चलिए अब बात करते हैं शैम्पूज की। अगर आपके ऑयली स्कैल्प है तो उसके लिए सबसे अच्छा शैम्पू है लॉरियल सिटी एक्सपर्ट ऑयल कंट्रोल शैम्पू। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, ये आपके स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, ऑयल को पीएच लेवल को मेंटेन करता है, और 3 से 4 दिन तक आपके बाल बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, लेकिन ये सिर्फ ऑयली स्कैल्प के लिए है। और अगर आपके ऑयली स्कैल्प के साथ साथ हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है तो आप ये शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मामा अर्थ का ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है। तो एक बात मैं बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इसको ट्राई की है, इस शैम्पू को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी मैंने आप लोग को रिकमेंड की है।
तो ये शैम्पू भी बहुत अच्छा है। अगर आपके ऑयली स्कैल्प के साथ साथ हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस शैम्पू को जरूर से ट्राई कीजिए। और मैं सारे जो शैम्पूज है उस शैम्पूज के सभी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिएगा। ये सब नाइका ऐप से आपको मिल जाएगा, नाइका ऐप के ही लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अब बात करते हैं अगर आपके ऑयली स्कैल्प के साथ साथ हेयर फॉल भी हो रहा है और बहुत सेंसिटिव स्किन है, यानी कि आपको कोई भी शैम्पू सूट नहीं करता है, तब मैंने जो DIY शैम्पू आप लोगों को बताई है उसे आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% केमिकल फ्री है। या तो फिर आप खादी के आमला भिंगराज जो शैम्पू है इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसे भी झाग नहीं आएगा, इस शैम्पू में झाग बहुत कम होता है क्योंकि हर्बल शैम्पू है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्दी टिप्स, ब्यूटी टिप्स और फिटनेस टिप्स शेयर करती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लाइक।